हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अपनी सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम आज सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे बिल्कुल बेसिक स्टेप से कैसे कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज मैं विजुअल उस फोल्ड एक फोल्डर में चला जाता, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो मैं वहाँ पर जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड करके विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ गाइस, आज हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में सी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सी प्रोग्राम तो वेट कर लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाए, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, विजुअल स्टूडियो कोड उस फोल्डर में ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, कट कर देना है। कट करने के बाद आई होप कि सबने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ उस वीडियो को जाके देख के VS Code को डाउनलोड कर सकते हैं और सी प्रोग्रामिंग के लिए इन्वायरमेंट भी सेट कर सकते हैं कि आप लोग हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में सी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। और मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ सेटिंग हमें करनी पड़ती है, तो एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है और भी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती है। ये मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। तो सिंपल एक चलो फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम मैं क्या रखूँ, फर्स्ट क्लास लिख देता हूँ। फर्स्ट क्लास डॉट सी, डॉट के बाद हम लोग डॉट सी लगाना या cpp, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कोई भी एक्सटेंशन लगा के फाइल को सेव कर सकते हो। तो मैं डॉट सी लगा के फाइल को सेव कर दिया। फाइल तो हमारी चलो सेव हो गई, हमारी फाइल यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है फर्स्ट क्लास डॉट सी के नाम से। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हम अपने जब सी प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनमें सबसे पहले हमें कुछ हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो कौन से हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैज इंक्लूड हमें ये ब्रैकेट हमें ये साइन लगा देना और यहाँ पर लिखना क्या stdio.h। जैसे हम इतना आएंगे तो हमें यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा। मैं तो गाइस मैं इसीलिए बोल रहा था कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे हम लोग एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमें सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। हमें यहाँ पे लिखना है include stdio.h, हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है। इसका फुल फॉर्म क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो यहाँ से हम लोग इस हेडर फाइल से हम लोग कुछ इनके फंक्शंस या कुछ भी फंक्शंस मान लो, तो हम लोग उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकेंगे और वहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर विदाउट हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया हम लोग करेंगे तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो चलो एक सबको पता है यार, सबसे हमें एक फाइल एक बना लेते हैं मेन फंक्शन। वॉइड मेन के अंदर हमने लिखा क्या, प्रिंट एफ मैंने दे दिया, माई नेम इज जयप्रकाश। तो आप लोग को यहाँ पे दिखा होगा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ यूज किया है और लास्ट में हमें सेमी कोलन लगाना सी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे कंपाइलर को तभी पता चलेगा कि हाँ ये जो लाइन है स्टेटमेंट वो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। तो गाइस ये अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ यूज किया है। प्रिंट एफ यूज कर प्रोग्राम को सेव करके हम लोग आपको रन करके भी दिखा देते हैं कि इसके बाद क्या होता है। देखो हाँ, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेव हो चुका है और रन भी हो रहा है। तो आप लोग को रन होने के बाद आपको दिख गया माय नेम इज जयप्रकाश, तो यहाँ मैं दे चुका। और मान लो मैं इसे क्या करूँ, कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। अब प्रोग्राम को सेव करके रन करा के आप लोग को दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या एरर आ गया कि ये प्रिंटअप क्या है, प्रिंटअप सुबह हम जानते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये पता चला है कि हमने जो यहाँ पे प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से ही आ रहा है, तभी हम इसे यूज कर पा रहे हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ प्रिंट एफ स्कैन एफ, प्रिंट एफ स्कैन एफ आर यूज्ड। क्या लिख रहा हूँ मैं यार, समझ नहीं आ रहा है, आर यूज्ड आफ्टर इंक्लूडिंग दिस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद हमें यहाँ पे तो करना है, तो
आई होप कि ये फॉन्ट साइज आपको विजिबल होगी। अब क्या करना है, अब हमें, अब तो गाइस ये चल बात हुई हमने यहाँ पे कर ली। अगर यही सेम चीज अगर जो प्रोग्राम अगर टर्बो सी में करेंगे तो वहाँ पे एक यहाँ पे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम तो रन होगा लेकिन हमें वो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो 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 टर्बो सी में जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो होल्ड होगी ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या, उसके लिए हमें लास्ट में क्या गेट सी एच को कॉल करना पड़ेगा कि ये हमारी स्क्रीन को होल्ड कर सके। लेकिन अभी गेट सी एच कहाँ से आ गया, गेट सी एच, चलो मैं प्रोग्राम को सेव करके आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ कि अब दिखा दिया गेट सी एच एरर है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो हाँ गाइस, तो हमें एक और लाइब्रेरी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा सिर्फ टर्बो सी में। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट अगर टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उसे ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें इंक्लूड, देखो सच सच सर सजेशन दिया, जैसे मैंने इंटर किया हमारा इंक्लूड हो गया है। टाइप करने की क्या जरूरत है, बहुत इजीली हम लोग इसमें अपने सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, सारी की सारी प्रोग्रामिंग हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत ही इजिली कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो आप लोग टर्बो सी, कोड ब्लॉक, देव सी प्लस प्लस, वीएस कोड, बहुत सारे, या ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हैज इंक्लूड यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करना है, कोनियो डॉट एच हमें सजेशन दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग को ये कोनियो डॉट एच को क्या करना है इंक्लूड कर लेना है। तो इंक्लूड कर दिया, अब प्रोग्राम को सेव करके हम लोग रन दिखाते हैं तो क्या होगा, ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल इजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब पतन की चीजें आ गई, प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं तो हमारा प्रोग्राम इस बार देखो बिल्कुल रन हो गया, कोई भी एरर नहीं आया, है कि नहीं, कितना सही था, ठीक है नहीं। तो गाइस बस देखो यार, और बाकी कुछ नहीं करना, तो हमें ये सी एस वीएस कोड में या इसमें हम हमारे वीएस कोड में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। कमेंट आउट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगे। और मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि हमें कोनियो डॉट एच से क्या होता है, हम लोग अपने प्रोग्राम, और हाँ एक चीज और कि क्या करूँ, मैं इसे कमेंट आउट हटा देता हूँ पहले। हाँ अब एक चीज और कि हम लोग अपने CLR SCR को यूज कर सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारे आउटपुट स्क्रीन पे जो भी चीजें रहेंगी वो प्रोग्राम रन होने के पहले ही वो सारे के सारे आउटपुट स्क्रीन को क्लीन कर दें। तो क्या करेंगे, क्लीन आउटपुट स्क्रीन, हमें आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये हमारा किया जाएगा क्या, किस लिए, होल्ड आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। चलो हम लोग आउटपुट स्क्रीन होल्ड कर लिया तो हमें ये सब करने की कोई भी जरूरत है नहीं। तो मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, कोई भी मतलब है नहीं यार यहाँ पे काम करने के लिए। कोनियो डॉट एच को भी हम लोग कर लेते हैं। तो कोनियो डॉट एच को हम लोग करने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम में क्लियर एस CLR SCR और गेट सी एच को यूज कर सकते हैं। तो चलो इतना तो हो गया, अब प्रोग्राम को हम सिंपल, तो इतना चीजें तो हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या किए थे बताओ कोई, यार भूल गया मैं तो। हमने यहाँ पे सिंपल देख लिया कि हमें कौन कौन से हेडर फाइल को इंक्लूड करना है और उन सभी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद क्या क्या होता है। हाँ चलो, हमने तो ये तो देख लिया कि हमारा प्रोग्राम कैसे, तो हम तो बस इतना ही, और तब तब से एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैंने सेकेंड डॉट सी के नाम से कर लिया। अब तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि मैं, चलो तो हमने वहां पर कर लिया, तो सिंपल फिर हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड stdio.h। तो हमें कोनियो डॉट एच को नहीं करती, क्यों, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं तो कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी यार लिख लेता हूँ कि क्या पता कोई भी स्टूडेंट अगर टर्बो सी में करना चाहे तो कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कोई थोड़ी कि मैं आप लोग को मना कर रहा हूँ। आप लोग कोड ब्लॉक, देव सी प्लस प्लस, किसी में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीवीएस कोड में, तो मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर टर्बो सी में कर रहे हैं तो इसे ना करें।
कमेंट आउट मतलब ना करें। तो चलो वाइड वाइड मेन में आ गए। वाइड मेन में आने के बाद हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले चलो हमने इसके बाद पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स क्या होती है, तो हमें वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमने पढ़ा था कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि नहीं। तो चलो देखो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। मान लो एक वेरिएबल मैंने इन टाइप का डिक्लेयर किया, मान लो उस वेरिएबल का नाम ए मैंने रख दिया, ए रख दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जो इंटीजर टाइप का होगा। चलो एक दो तीन चार पाँच, ज्यादा बड़ा हो गया, वन टू मैंने 12 को स्टोर करा दिया, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूले। और मैं यहाँ पे आप लोग को प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ कराने का सबसे देखो तगड़ा तरीका क्या, इंटीजर टाइप तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट डी लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद हमें क्या ए को हमें प्रिंट कर देना, तो लास्ट में सेमीकोलन लगाना तो बिल्कुल ना भूले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये तो बात रही, अब हम लोग प्रोग्राम को इसको सेव करते हैं और रन करा के आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या होता है। तो देखो प्रोग्राम तो हमारा सेव हो चुका है, तो ये जो पहले का टर्मिनल है मैं इसे क्या करूँ, रहने दूँ या काट दूँ, अब ये आप लोग को डिपेंड करता है। तो हमारा प्रोग्राम सेव हो मतलब हो गया और ये रन कर रहा है। तो तब से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक 12 उस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब उसी चीज को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि नहीं, बस दैट सिंपल, और ज्यादा चीजें यहाँ पे है ही नहीं। तो गाइस बस देखो ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है कि पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो तो रन तो हो ही जाएगा, तो आप लोग वहां पे दिख जाएगा। अब चलो एक वेरिएबल मैं साथ में एक और यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। डिक्लेयर करने के बाद मैं सिंपल आप लोग को दिखा देता हूँ, एक साथ कई वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके तो देखो मैंने यहाँ पे जो हमारा जो था वहाँ प्रिंट हमने एक किया, तो हमारा ए प्रिंट हो गया। तो चलो एक वेरिएबल हमने और यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं क्या, बी। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे बी को डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करा दी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर के थ्रू इसे स्कैनएफ के थ्रू यूजर को प्रिंट कराएंगे। स्कैनएफ हमें और सजेशन बहुत अच्छे तरह से देता है, तो आप लोग इस सजेशन को जो यूज कर सकते हैं यार, बहुत ही इजली बहुत ही फास्टली प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वो भी इंटीजर टाइप का है तो सेम काम, परसेंट डी। और हमें क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू पे यूजर एंटर करेगा वो कहाँ स्टोर करना है, तो हमें यहाँ पे एंड साइन लगाना पड़ेगा कि एंड साइन बी, मतलब बी का जो वेरिएबल है उसके मेमोरी एड्रेस में जाके वो वैल्यू को हमें क्या कर देना, क्या करना है यार बताओ, एंटर कर देना, वो जाके स्टोर कर देगा। तो मैं सबसे उससे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ इंटर द नंबर, हमने इंटर द नंबर दिखा दिया, तो ये क्या करेगा यहाँ पे देख लेगा जो भी होगा। तो यहाँ पे नंबर दिख दिया हमने, यहाँ पे 20 सेकेंड वैल्यू हुई। अब इसे प्रिंट आउट, अब इसे हम लोग इसे प्रिंट एफ प्रिंट करा लेते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, परसेंट डी के बाद हमने कॉमा लगाया और बी की वैल्यू को हमने प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या होता है। फिर से प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, और हमसे यहाँ पे बोल रहे 12 इंटर द नंबर, ये 12 ये दे रहा है कि हमें जो प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट की थी वो, तो 12 इंटर द नंबर, हमने इंटर द नंबर क्या इंटर करी, 5 हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब 5 इंटर के बाद देखो हमारे यहाँ पे 5 जो प्रिंट कर दिया। तो गाइज मतलब आज हमने क्या किया, हमने प्रिंट एप स्कैन ऐप को प्रॉपर यूज करना तो सीख लिया, कि हम लोग कैसे यूजर के थ्रू एक नंबर को इनपुट कराएंगे, और भी सारी चीज़ें हमने जो भी हमें हेडर फाइल को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं उन सभी को क्यों इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक होता है, वो सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग वहाँ पे और भी सी प्रोग्रामिंग के बारे में और भी डिटेल में थोड़ा सा एडवांस लेवल से भी, आज तो बिल्कुल बेसिक क्लासेस थी तो आप लोग को सिंपल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।